स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ सिको आईपीआर चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडमार्क अटॉर्नीज, आईपीआर अटॉर्नीज इन बिग कंपनीज टाइप गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज होती है ना, इनमें आईपीआर लॉयर्स की डिमांड क्यों, इनका काम क्या है, टेक्नोलॉजी फील्ड में आईपीआर अटॉर्नीज की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आज मैं एक मार्बल वाले की बात करूँ, एक मार्बल वाले की प्रॉपर्टी उसके मार्बल्स हैं, फर्नीचर वाले के लिए उसकी प्रॉपर्टी उसका फर्नीचर है। बट जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनका मेन असेट क्या है, वो उनका ब्रांड नेम है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके पेटेंट्स हैं। जैसे जोमेटो की बात करूँ, जोमेटो कोई रेस्टोरेंट ओन थोड़ा ना करता है आज के टाइम में, जोमेटो के पास कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, जोमेटो तो एक ब्रांड नेम है। उस ब्रांड नेम के चलते वो लोग लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। आज जोमेटो के ब्रांड नेम की वैल्यूएशन 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि जोमेटो का ब्रांड नेम बिकता है मार्केट के अंदर। आपको क्या पता आप किस रेस्टोरेंट से मंगा रहे हो, आप तो जोमेटो पे जाके ऑर्डर करते हो। इसलिए जोमेटो कंपनी आईपीओ लॉयर्स को हायर करती है ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट्स के लिए, कॉपीराइट्स के लिए, जिनसे उनकी जो असेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट है, वो कोई चोरी ना कर लें या उसको कोई नुकसान ना कर दे। अब बड़ी कंपनीज की बात करो, गूगल सेम, गूगल के पास क्या है, गूगल के पास फिजिकल थोड़ा ना है उसका वो एसेट है जिसको आप यूज़ करते हो। अल्टीमेटली गूगल का सर्च इंजन, गूगल डॉक्स, गूगल का जीमेल, ये सब आप लोग यूज़ करते हो, ये उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आज के टाइम में बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। पहले के टाइम में लोग फिजिकल असेट ज़्यादा बनाते थे, आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल असेट ज़्यादा बना रहे हैं। इंटेलेक्चुअल असेट्स मतलब, आज मुझे एक जूतों का स्टार्टअप डालना है, शूज़ का स्टार्टअप डालना है, तो वहाँ पे मैं एक जूते की दुकान नहीं लगाऊंगा मेन मार्केट में जाके, मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, 15,000 का उस पर एसईओ करवाऊंगा, और पर मंथ जैसे उस पर ट्रैफिक आना चालू होगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से मैं सेल्स करना चालू कर दूंगा। तो वो मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो मेरी वेबसाइट होती है, तो वहाँ से मेरे को पैसा आएगा, प्लस आरओआई ज़्यादा है। अगर आज मैं मेन मार्केट में दुकान खरीदता हूँ तो 1 से 2 करोड़ रुपये की तो मिनिमम दुकान आ गई। रेंट पर भी लेता हूँ तो मुझे 50,000-1,00,000 रुपये पर मंथ रेंट पड़ेगा, जिसमें कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, 1,00,000 रुपये तो मेरा रेंट जा रहा है। ऑनलाइन एसईओ में एटलीस्ट इतनी तो गारंटी कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आएगा। तो वो एक वेबसाइट, एक डोमेन, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब बड़ी कंपनीज क्यों हायर करती है, इनको क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, बड़ी कंपनीज लगातार इनोवेशन करती है। गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये लगातार इनोवेशन करते हैं। अब जैसे अमेजोन की बात करो, तो वन क्लिक का पेटेंट था अमेजोन के पास 1999 के अंदर, 2019 के अंदर एक्सपायर हो गया। अब ये पेटेंट क्या था, अमेजोन ने टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करा था जिसके अंदर एक क्लिक, मतलब सिंगल क्लिक के ऊपर यूज़र चेकआउट हो जाएगा, उसको बार बार अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी बिलिंग की। 2019 तक ये पेटेंट सिर्फ अमेजोन के पास था। 20 साल अमेजोन ने मोनोपोली के चलते हुए इतना बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया। कंज्यूमर बार बार उसके पास क्यों जाते थे, क्योंकि पता है एक क्लिक में अमेजोन से हम चेकआउट कर सकते हैं, बाकी वेबसाइट है बार बार पूरे पेमेंट्स की डिटेल्स को डालना पड़ता है, तो वहाँ पर उनको दिक्कत आती थी। उसके बाद आपने एप्पल का फ़ोन देखा होगा। अब एप्पल के फ़ोन में जो एक बटन लगा हुआ ना साइड में, वो म्यूट करने का बटन है एप्पल का, आपको पता है। और एप्पल उस चीज़ का पेटेंट लेके बैठा है, कोई भी उस और कंपनी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकती है, तो उससे एप्पल को फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो काफ़ी सारे और ऐसे टेक्नोलॉजी इन्वेंशन जो कंपनीज रेगुलरली करती हैं। जैसे अगर मैं शूज़ कंपनी की बात करूं, एडिडास, वहाँ पे आपने उनका पैटर्न देखा है, एक पैटर्न मार्क बना हुआ है उनका, 3 स्ट्राइप्स, वो उनका पैटर्न मार्क है, जैसा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। एक ब्रांड ने उनका पैटर्न मार्क को कॉपी करने की कोशिश भी करी थी और अल्टीमेटली वो ब्रांड केस को लूज़ कर गई और $300 मिलियन का फ़ायदा हुआ एडिडास को। इसलिए बड़ी ब्रांड्स आईपीआर अटॉर्नीज को हायर करती है, उनसे कंसल्टिंग लेती है, उनसे समझती है। क्योंकि देखिए, जब पार्ले ने खुद का एक बिस्कुट निकाला था जो कि ओरियो से मिलता जुलता था, अब वहाँ पे क्या हुआ, उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने शायद उनको ढंग से कंसल्ट नहीं करा, ढंग से बताया नहीं। अल्टीमेटली मार्केटिंग टीम ने तो कॉपी करा, उसको बनाया और मार्केट के अंदर पूरी टीम ने निकाल दिया। उससे दिक्कत क्या हुई, उससे दिक्कत ये हुई, जब उसकी मार्केटिंग हुई, ब्रांडिंग हुई, तो ओरियो ने फटाफट आके केस फाइल कर दिया वहाँ पे, पार्ले को उसकी सेल को रोकना पड़ा। और अगर फ्यूचर में अभी तक केस का डिसीजन नहीं आया, वैसे तो ऊपर से पूरा देखने में लग रहा है कि पार्ले ने पूरा कॉपी करा ओरियो के बिस्किट को। अल्टीमेटली अगर डिसीजन ओरियो के फेवर में आया तो वहाँ पे पार्ले को काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ओरियो कंपनी को, जिनसे उनके लिए नुकसान है, तो वहाँ पे पार्ले कंपनी को लॉस हो गया। इसलिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स को हायर करते हैं। उससे होता क्या है कि वहाँ पे कंपनीज को पहले ही मालूम पड़ जाता है, मार्केटिंग टीम को, ब्रांडिंग टीम को, प्रोडक्शन हेड को, कि इस चीज़ को हमें नहीं करना है, इससे हमारी ब्रांड का नुकसान हो सकता है। प्लस हमारी ब्रांड के लोगोस, स्लोगन्स, कॉपीराइट्स को मार्केट में यूज़ कर रहा है, तो वो भी आईपीआर लॉयर्स ही ट्रैक करते हैं। इसलिए भी बड़ी फर्म्स हायर करती हैं आईपीआर अटॉर्नीज को। इन हाउस करने का फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग। अगर एक बड़ी कंपनी है, नेटफ्लिक्स,
गूगल, अमेजोन, तो डेली उनके ट्रेडमार्क फाइल होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वो लॉयर्स को रखते हैं, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लॉयर्स को रखते हैं, कॉपीराइट फाइल करने के लिए लॉयर्स को रखते हैं, फिर उनकी रिव्यू पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, बहुत तरह की पॉलिसीज होती है, उनके लिए लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। फिर अल्टीमेटली कहीं पर डिस्प्यूट आ गया तो ये कॉर्पोरेट लॉ डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं कर सकते लिटिगेशन के अंदर, तो ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं कि हमारी कंपनी क्यों सही है। उसके बाद ये लिटिगेशन टीम के पास जाते हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं, समझाते हैं, तो लिटिगेशन लॉयर फिर प्लीड करते हैं कोर्ट के अंदर जाके। इसलिए बड़ी कंपनीज हायर करती है लॉयर्स को, वहाँ सीईओ थोड़ा दिमाग लगाएगा, लिटिगेशन टीम से डिस्कस करेगा, वो तो उन कंपनीज के एडवोकेट होते हैं, इंटरनल कॉर्पोरेट एडवोकेट्स बोलते हैं, आईपीआर अटॉर्नीज बोलते हैं, जो जाके लिटिगेशन टीम को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, और लिटिगेशन टीम कोर्ट में प्रोसीड करती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बता दी, सबसे पहले जाओ लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ पर जाके सर्च करो गूगल, अमेजोन, एप्पल, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में। वहाँ पे जब कंपनी पे जाओगे ना, वहाँ एक पीपल करके पेज दे रखा होगा, सेक्शन दे रखा होगा, पीपल पे क्लिक करना, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आ जाएंगे। अब वहाँ पे जाके आप ढूंढो लीगल वाले एम्प्लॉयज़, मतलब कौन लीगल डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, उन डिपार्टमेंट के हेड और मैनेजर से कनेक्शंस को बिल्ड करो, उनसे उनकी ईमेल आईडी लो, अपने बारे में बताओ, रेफरेंस मांगो, वहाँ से आपको रेफरेंस मिल सकते हैं, हेल्प मिल सकती है। फिर दूसरा ऑप्शन jobs.apple करके पेज है, मैंने सिर्फ गूगल में गूगल के ऊपर टाइप करा था जॉब्स इन एप्पल फॉर लॉयर्स, बहुत सारी जॉब्स निकल कर आ गई, ऐसे आप टाइप कर सकते हो जॉब्स इन गूगल फॉर लॉयर्स, फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स, फॉर ट्रेडमार्क अटॉर्नीज, फॉर पेटेंट अटॉर्नीज, फॉर कॉपीराइट एक्सपर्ट्स, ऐसे जैसे आप गूगल पे लिखेंगे हजारों तरह की जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, जहाँ पे जाके अपना सीवी अपलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इवन मैं बता रहा हूँ, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जियो भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी, डेटाबेस कंपनी है, तो इनके पास भी जो इनकी प्रॉपर्टी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जियो सिनेमा, जियो मतलब बहुत तरह के आ गए हैं इस समय ऑनलाइन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इंडिया के अंदर मैं बात करूँ ओयो, ओला, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। और जरूरी नहीं कि आप बड़ी कंपनी में काम करो, देखो कई बार हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, क्या हमें बड़ी कंपनी में ही जाना चाहिए, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स? देखो वो जो पैकेज आपको पे कर रहा है ना, वो आपको अनअकैडमी भी दे सकता है, ओके, वो आपको ओला भी दे सकता है, पेटीएम भी दे सकता है, बायजूस भी दे सकता है, क्यों? फंडेड स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी अच्छा पेमेंट दे सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, तो उनके अंदर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको और ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो दुबई के बारे में सर्च करो कि दुबई में बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कौन से, यूके के अंदर बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कौन से, यूएस के अंदर बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कौन से, उनको लिस्ट बनाओ, उनके ईमेल्स फाइंड आउट करो, लिंक्डइन प्रोफाइल फाइंड आउट करो, और वहाँ पे जाके अपने बारे में बताओ, सीवी भेजो, उनसे डिस्कशन करो, और डेफिनेटली अगर आपके पास स्किल्स है ना, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर इस समय अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा बूम है। इस समय पूरा वर्ल्ड रिमोटली वर्क कर रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है, और कुछ ना कुछ नया आता रहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इनोवेशन आपको पता ही है, कुछ ना कुछ कंपनी इनोवेट लगातार करती जा रही है, और वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उनको ऐसे पर्सन की जरूरत रहती है जो उनके IPRs को, उनके इनोवेशन को, उनके टेक्नोलॉजी को पूरा प्रोटेक्शन दे सके, एंड जिनसे वो मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जैसी ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ ना, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।